मांधाता कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण पटेल के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर मांधाता में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुके हैं। वहीं अरुण यादव भी किसी भी कीमत पर मांधाता सीट पर जीत को लेकर रायशुमारी करने मंगलवार को अपने भाई सचिन के साथ मांधाता विधानसभा की आर्थिक राजधानी और संतों की नगरी मुंदी पहुंच रहे, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता अरुण यादव के स्वागत के लिए खड़े थे। वहीं अरुण यादव ने भी कार्यकर्ताओं से वन टू वन चर्चा भी की और कार्यकर्ताओं से उनकी राय जानी है। देखो, बहुत साफ सुथरी बात है कि आदरणीय अरुण और सचिन भाई, और हम सबको यह समझ में आया कि जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी, तो झगड़े की जड़ तो बीजेपी वाले ले गए, चली गई बीजेपी में, यहाँ झगड़ा खत्म हो गया, मामला 63 में बदल गया। कांग्रेस अपना सर्वे करे, जो भी करे, जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसका बहुत ताकत से काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर मांधाता में कांग्रेस जितने भी उपचुनाव होंगे उसमें एक नंबर चुनाव जीतेगी, और आने वाले भविष्य में कांग्रेस को गढ़ रहेगा। देखिए, जिसके पीछे झगड़ा था वही खत्म हो गया, तो किस बात की लड़ाई। और चूंकि जिस स्थिति में जो जकड़ गए हैं, तो इसमें सब कांग्रेस को मिल के और जिसने पीठ में चूहा घोंपा है, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। चुनाव लड़ने की आपकी भी हमने सुना तैयारी पूर्ण है। 13 और 18 दो बार से टिकट मांग रहे हैं, तो तैयारी तो बहुत दिन से पहले से ही है, पर अगर आपकी अगर पार्टी अगर भरोसा जताती है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, निश्चित जीत के आएंगे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है लोकतंत्र प्रजातंत्र करने का काम कर रही है और चुनी हुई सरकारों को, एक जन्नत हासिल हुई सरकारों को जो है धनबल के इस्तेमाल से उनको उन सरकारों को गिराने का काम कर रही है। आज जो वर्तमान में जो है सरकार बनी है, एक सौदेबाजी की सरकार बनी है, और ये पूरा घटनाक्रम हमारी मध्य प्रदेश की जनता बड़ी बारीकी से इसको देख रही है। और निश्चित रूप से हमारी जिन सिद्धांतों में, जिन मूल्यों के हमारी ये हमारा जो लोकतंत्र, हमारा प्रजातंत्र बना है, मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश की जनता जो है बड़ी बेसब्री से अपने उपचुनाव का इंतजार कर रही है, और निश्चित रूप से समय आने पर जो है भारतीय जनता पार्टी को, उनके तमाम नेताओं को जो इस कृत में शामिल हैं, उनको एक तगड़ा जवाब देने का काम कर रही है। तो चुनाव सवर में ही पता चलेगा, और मैंने तो स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों ने एकमात्र सस्ता के साथ में धोखा किया है उसको देश की और क्षेत्र की जनता माफ करने नहीं करने वाली है, और हम एक बड़ा संघर्ष प्रदेश में करेंगे और पुनः एक स्थापित सरकार को लेकर आएंगे।